देखो बच्चों, मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे को कुछ अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं तो मैंने कहा चलो बताऊँ। ये कोट अभी मैंने एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर देखी और मुझे मतलब काफ़ी बढ़िया इस कोट को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट किया। जैसे कह रहा है यार, लेट यूर सेल्फ फील इनसिक्योर फ्रॉम टाइम, इट विल हेल्प यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। सुंदर पिचाई ने बात की, बिल्कुल। मतलब इसको एक तरीके से आप बोलोगे, अगर आप फील करोगे तो डेफिनेटली यार ये है कुछ। मैंने इसको अपनी लाइफ में एनालाइज किया कि यार देर वॉज टाइम जब मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो जब इंसान इनसिक्योर फील करता है ना, तो वो दो तरीके होंगे। या तो एक इंसान क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, या फिर दूसरा इंसान क्या करेगा, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो कभी गिव अप तो किसी भी स्टेज पर नहीं करना। ज़्यादा बेटर है कि वो वाला रास्ता हम चुने कि हम थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे जितना भी हो उतना करो, कोई मैटर नहीं करता कि भाई मेरे को एकदम से फर्स्ट मंजिल पे पहुंच। एक सीढ़ी अगर आपको दिखाई दे रही है तो एक सीढ़ी चलो, दूसरी दिखाई दे रही है दूसरी पर चलो। बस क्या है, अपना करते रहो, मेन चीज़ ये। आप मानोगे नहीं, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने एक बैच में 100 स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट अगर वो मिलती है तो, एक मिनट देखना। और एक वो भी टाइम था जब एक बैच में 10-10 बच्चे बचे हैं, 20-20 बच्चे बचे, 5 बच्चे बचे, COVID-19 जैसी सिचुएशन आई। लेकिन फिर भी जो मैटर था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो इम्पोर्टेंट ये था कि सर हमने कभी भी जो है बेसिकली हार नहीं मानी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो चीज़। और मेन चीज़ है गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब लगे रहे, कोशिश करते रहे। तो क्या होता है, देखो जो लोग हैं ना, लोग आप पे कब बिलीव करेंगे, लोग आप पे कब तब बिलीव करेंगे जब कुछ हम एक्शंस करेंगे, जब हम कुछ रिजल्ट्स दिखाएंगे। लोगों का सिंपल सा फंडा, या लाइफ में आप कुछ बड़ा कर लोगे। और पता है आपके जो पीछे के एफर्ट्स हैं ना, वो किसी को भी नहीं दिखने वाले हैं। आपने कितने एफर्ट्स करे, आपने कौन सा स्ट्रगल देखा है, आपने कितनी मेहनत करी है, आपकी लाइफ में क्या क्या चला है, कितने अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं। एक बात ध्यान रखना, ये आपके कुछ क्लोज फ्रेंड रहेंगे, कुछ आपके फैमिली वाले रहेंगे, उसके अलावा किसी को कोई मतलब। तो आपको बस इन्हीं लोगों को अपने साथ में लेकर चलना है। और आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपना फोकस बना कर रखना है। आपको अपना ये है कि भाई मुझे ना कुछ भी, आपकी लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई क्या नाम है यार, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है, एक दो दिन बहुत मस्ती करो, फिर दोबारा से काम पे लग जाओ, फिर दोबारा जो भी आपका मन है उसको। और खुद पे बिलीव रखो, ध्यान रखना बेटा, खुद पे बिलीव। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा, देन ये सोसाइटी आप पर बिलीव करेगी। अभी मैं कुछ कोट्स के थ्रू आपको उस टाइम सिचुएशंस पे मैंने बनाई थी। मैं कभी भी कोट बनाता हूं तो ऐसे शौक के लिए नहीं बनाता हूं, मैं सिचुएशन बेस्ड कोट बनाता हूं बेसिकली। अब कहता है डाउट करने से पहले ये देख कि किस पे डाउट कर रहा है। ये बात मैंने अपने आप को एक मोटिवेट करने के लिए कही थी 4 साल पहले, 5 साल पहले या 2-3 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। कि कोई बंदा डाउट करे यार संजय तेरे बस की क्या है, तू क्या करेगा क्या नहीं है, तो मैं अपने मन में कह रहा था कि भाई डाउट करने से पहले ये देख तू किस पे डाउट कर। तो वही ऑब्वियस ही बात है, ठीक है अभी करते हैं। बी अ पर्सन हु कैन गिव पॉजिटिव एनर्जी, मनी डजंट वर्क। बिल्कुल, मैं आप लोगों को कहता हूँ पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करो। भाई साहब पैसा हमेशा काम नहीं करता। लाइक आपको बोला जाता है कमेंट कर दो, लाइक कर दो या कुछ भी, तो ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। आप किसी को अप्रिशिएट कर दो, किसी की तारीफ कर दो, आपको अच्छा लग रही हैं चीज़ें, आप अपने फैमिली में किसी को अप्रिशिएट कर दो, तो बी अ पर्सन हु कैन गिव। मनी हमेशा काम नहीं करता, ध्यान रखना बच्चों। आपके चेहरे पर हैप्पीनेस, आप किसी के चेहरे पर हैप्पीनेस लेकर आ सकते हो। आपकी जेब में करोड़ों रुपये पड़े हैं वो हैप्पीनेस थोड़ी लेंगे। आपने किसी को जोक सुना दी, किसी को अप्रिशिएट कर दिया, दैट कैन गिव द हैप्पीनेस ऑन हिज और हर फेस, बट मनी डजंट ऑलवेज वर्क। ठीक है, अब ये देखो ये कितनी अच्छी बात आप लोगों को बताई जा रही है। अगर खुद के लिए कुछ करना ही चाहता है तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी भाई, अपने लिए बनाई थी, कोट किसी दुनिया के लिए नहीं बनाई थी। मैंने कहा था अगर तुझे खुद के लिए कुछ करना ही चाहता है तो ये कर, अपने आज को बीते हुए कल से अच्छा बना। तो हर किसी बच्चे पर अप्लाई होती है। जितने भी बच्चे आलसी हो रहे हैं, जितने बच्चे भाई साहब कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ने, ध्यान रखना ये कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है भाई साहब, तुम्हारे अंदर दीमक लग जाएगी और ये अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अपने अगर खुद के लिए कुछ करना ही चाहता है तो ये कर, अपने आज को बीते हुए कल से अच्छा, बस ये कर ले तो भाई साहब तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताऊँ, ऐसे मत सोचना भाई, ज़िंदगी सेट का मतलब है जो आप करना चाहते हो वो करो। मनीटरी टर्म्स में हम कभी मेजर नहीं कर सकते कि कौन सक्सेसफुल है कौन नहीं है। ऐसे तो भाई तुम करोड़ों भी कमा लो तो भी तुम पता नहीं कौन से वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आओगे। समझ में आई बातें? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। कि ये नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं तो भैया मैं कामयाब हो गया। नहीं, कामयाबी का नज़रिया तरीका हर किसी के लिए अलग अलग है। डू नॉट मेजर दिस सक्सेस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर योर सक्सेस विद योर हैप्पीनेस। आप जो करना चाहते हो क्या वो आप कर पा रहे हो, पैसे थोड़े कम भी मिल रहे हैं तो भी चलेगा। समझ में आई बातें? नहीं आई, लेकिन
भाई पैसों की भी जरूरत होती है, और अगर वो कहीं पे सुना होगा, अगर आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए और वो पैसा कमा के दे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो भाई इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, माय फेवरेट वर्ड इज़ विल पावर। विल पावर ठीक है कई बार इंप्लीमेंट नहीं होता है, बट बना रखी हैं चीज़ें इस तरीके से कि सो दैट हम अपने आप को मोटिवेट कर सके। लीव एक्सपेक्टेशंस, लीव हैप्पी। भाई साहब किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, आप हर्ट करोगे अननेसेसरी परेशान होगे। तो भैया एक्सपेक्टेशन रखनी है तो खुद से रखो, आएगी वाली कोट भी आगे देखना भी। और डिसिप्लिन कैन गिव यू अनइमेजिनेबल रिजल्ट, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना भाई साहब, डिसिप्लिन आपको वो रिजल्ट दे सकता है। ये कहीं से कॉपी नहीं कर रखी है, दीज आर द सिचुएशन बेस्ड कोर्स। और आपकी लाइफ में जब सिचुएशंस आए, जब आप डिमोरलाइज हुए, आप इस वीडियो को सुन लेना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। लिविंग फ्रीडम इज़ द बेस्ट हैप्पीनेस ऑफ वर्ल्ड, ये मैंने उस टाइम बनाई थी। मेरे को एक दिन पुलिस स्टेशन में रहना पड़ गया था किसी सीन से, वो कभी स्टोरी सुनाऊंगा। अबे जेल में नहीं गया था, बस पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ा था। उस टाइम मैंने शाम को आके कोड बनाई थी, लिविंग इन फ्रीडम इज़ द बेस्ट हैप्पीनेस ऑफ वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सही बात है। और ये तो एक नंबर भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं इसको। कहता है टायर्डनेस ऑफ बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय रेस्टिंग फॉर अ डे। आप एक दिन बहुत ज़्यादा खेले, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत तो आपने बहुत सारे फिजिकल वर्क कर लिए, अरे आप पूरे 24 घंटे सो जाओ कोई बात नहीं, आपकी बॉडी की थकान दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों आधी दुनिया की तो ये पूरी ज़िंदगी भर जो दिमाग की थकान है ना, ये थकान कभी ख़त्म नहीं। यानी कि यहाँ पर बात करी जा रही है कम्फर्ट जोन की, यहाँ पर बात करी जा रही है लेजीनेस की। टायर्डनेस ऑफ माइंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इन अ डे। और दिस इज द फैक्ट, मोस्ट ऑफ अस, हमें बहुत सारे, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप अपने देखोगे, आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होगे। लेकिन क्या है, ठीक है, हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि डीमक है ना, डीमक लकड़ी को जब तक अंदर से खोखला ना कर दे तब तक पता नहीं चलता है। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही अगर तुम टायर्ड रहोगे, अगर तुम लेजीनेस रहोगे, तो बेटा ध्यान रखना ये जो ज़िंदगी है ना, उस टाइम तुम्हें सब चीज़ याद आएगी जब टाइम निकल चुका होगा। खैर मेरा तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरा तो मानना ये है कभी भी टाइम नहीं निकलता है, बट स्टिल मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अपने टाइम को मत वेस्ट करो, प्लीज़ एटलीस्ट जितने 7-8 घंटे की नींद चाहिए बस खाली वो ही नींद लो, फालतू नींद मत लो। उसके अलावा अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ भाई, कंप्यूटर क्लासेस लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, आप वीडियो एडिटिंग सीखो, आप अपनी पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में बात करो, यूट्यूब पे वीडियो डालो, कुछ भी करो, लेकिन बट यार बस खाली मत बैठो प्लीज़ ना। बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, मेरे पास इतना ये जो है मेरी किसी से बातचीत हो रही थी तो हुई होगी लड़ाई वड़ाई, तो मैंने उस टाइम ये अच्छी बनाई थी। खैर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुझसे लड़ूं। हाँ एक लड़की से मेरी बात हो रही थी तो उस टाइम फिर हो रही थी लड़ाई वड़ाई, तो फिर मैंने ये अपने लिए कोट बनाई थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुझसे लड़ूं, मेरी हर रोज़ खुद से लगातार लड़ाई होती है, और ये तो मेरी आज तक चलती रहती है। खैर चलो सर, इसकी स्टोरी भी सुनाने का भी मज़ा आएगा आप लोगों को। डिसिप्लिन हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, डिसिप्लिन का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जिसने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अचीव कर लिया, वो मेरे दोस्तों अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेगा। इन स्पाइट ऑफ योर 1000 वीकनेस, यू मस्ट वर्क ऑन योर फर्स्ट 1 स्ट्रेंथ। बिल्कुल बेटा, आपकी 1000 वीकनेस है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी एक स्ट्रेंथ पे काम करो। जैसे आप लोगों ने देखा हो, मैं चल नहीं सकता अच्छे से, मेरे पैर में रोड डली हुई है, इसकी भी स्टोरी है, कभी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। बट फिर भी मुझे पता है यार, मेरी एक स्ट्रेंथ है टीचिंग, मेरी एक स्ट्रेंथ है बोलना, मेरी स्ट्रेंथ है नॉलेज। तो यार इट्स बेटर कि आप अपनी एक स्ट्रेंथ पे काम करो भाई, पैसा कमा लोगे, पैसे की टेंशन मत लो, पैसा तो आ जाता है यार, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। मेन चीज़ क्या होता है, अपने ऊपर काम करो। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, वो सबसे बेकार चीज़ है बच्चों। और कोई भी एज का व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, डोंट वरी बेटा, आज से स्टार्ट कर दो भाई, आज से स्टार्ट कर दो, बस क्या है स्टार्ट कर दो, समझ में आ गई। कोई दिक्कत आए ना तो बस क्या है, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको उंगली पकड़ के ले आने की कोशिश करूँ। मैंने कुछ खास लाइफ में अचीव नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपको लगे कि सर तो करोड़पति बन गए, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यार जो भी अचीव किया, जो मेरी जर्नी रही है, वो जर्नी बहुत बढ़िया रही है। और मैंने अपनी जर्नी को हमेशा क्या करा है, इंजॉय किया है। सब कुछ होगा, डोंट वरी। बट मैं, मेरे बारे में बच्चे ये भी कहते हैं कि यार संजय भाई को हाथ पकड़ाओ, उंगली पकड़ाओ, तो संजय भाई तो हाथ पकड़े खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बेटा ध्यान रखना, आप अगर आप इस दलदल में फंसे हुए, आप नहीं निकल पा रहे हो, आपको पुश चाहिए, आपको चाहिए कि यार कोई सपोर्ट करे, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, डेफिनेटली मैं आपको पुश करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ एक्टिविटी भी दी जाएगी, देखो आगे ना वो कोट, एक्सपेक्टेशन रखो पर केवल खुद से, खाली खुद से।
बी ए पर्सन वो क्या पॉजिटिव यानी मैच्योरिटी इज व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर कंपनी। जैसे कि आपने देखा होगा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूँ अपनी कंपनी एंजॉय। तो ये आप लोग जैसे बड़े हो गए ना देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार सर बात तो सही कह रहे हैं। मैंने क्या बोला, ये मैंने जो कोर्स कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई है, दीज कोर्स आर बेस्ड ऑन सिचुएशंस। अभी शायद आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार बातें सारी अच्छी हैं। अगर ये देखो कितनी बढ़िया बात कही है, अगर तुझे खुद पे बिलीव नहीं है तो तेरे लिए हर राह मुश्किल है भाई, हर राह मुश्किल है। ध्यान रख तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू कोई भी कुछ भी कर ले भाई, जितना मर्जी से बड़ा कर ले, लेकिन तुझे खुद पे भरोसा ही नहीं है तो फिर तेरे लिए हर राह मुश्किल है। मतलब फिर तू क्या यार मैंने ये कर लिया, अब मैं पैसा कैसे कमाऊँ, यार मैंने गाड़ी ले ली मैं चलाऊँ कैसे, यार गाड़ी ले ली रोड रोड पर ठुक ना जाए। भाई साहब सबसे पहले मेन चीज़ क्या होता है, बिलीव होना। चाहे देखो कोई समाज आप पे बिलीव नहीं करेगा, घर वाले भी नहीं करेंगे, आपके एक्शंस पे लोग बिलीव करते हैं, रिजल्ट्स पे लोग बिलीव करते हैं, बट हमें खुद को बिलीव करना होता है। विदाउट एक्शंस विदाउट रिजल्ट हमें खुद पे बिलीव करके चलना होता है। और कभी डिस्कशन करेंगे बाकी, ठीक है फिर। तो बस मेरे अंदर की फीलिंग्स थी तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी। और मैं आपसे बच्चों को ये कहूँगा कि बस अपनी जान लगाओ, लेकिन अपने टाइम को अननेसेसरी सोशल मीडियाज पर मत वेस्ट करो। ठीक है मैं कभी भी नहीं कहता रील्स मत देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स मत देखो, बट डोंट डिवोट एंटायर टाइम। लेकिन आपको ये भी फील आनी चाहिए कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। समझ में आई बात यानी। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। इस तरीके की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है मेरा पर्पस क्या है। मैंने अपनी लाइफ में जो जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आप ना करो, और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको हाथ पकड़ के जहाँ तक ले जा सकता हूँ वहाँ तक मैं ले जाऊँ। इवन आप मानोगे नहीं, हमारे बारे में तो हमने तो भाई बच्चों को रात रात को बुला कर यहाँ पर पढ़ा रखा, अब तो बच्चे आते नहीं हैं। खैर वो कभी और डिटेल में बताएंगे, बट फिर आज के लिए इतना ही बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।